नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के एक और वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान से आपको अवगत कराएंगे जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, कौन से हैं वो महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर जिन महिलाओं के ये तीन अंग बड़े होते हैं तो वहां पर बर्बादी निश्चित तौर पर आती है, यहां तक कि महाभारत तक छिड़ जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला सैकड़ों गांव को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिलाओं के जिन तीन अंगों के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। मित्रों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर जिस घर में या आपके आस पड़ोस में इस तरह की महिलाएं दिखाई देती हैं तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं के ये तीन अंग बड़े होने से चिंता का विषय माना जाता है। आपको बता दें, सामुद्रिक शास्त्र में और चाणक्य नीति में महिलाओं का रंग और उनकी बनावट के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिलती है। ऐसे में उनका स्वभाव और चरित्र देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में हम यह जानते हैं कि महिलाओं में वो तीन अंग सबसे बड़े कौन से हैं जिसके कारण महाभारत तक हो जाते हैं सैकड़ों गांव बर्बाद। तो चलिए जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के उन्हीं अंगों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक है खूबसूरत घना और लंबा बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का बाल अगर कमर से नीचे जाता है तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होता। ऐसी महिला नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। जिस महिला के कमर से नीचे घने और लंबे बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पुरुष भी ऐसी महिला पर आकर्षित होते हैं। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कमर से नीचे बाल होना आपको बर्बाद कर सकता है, इसीलिए कमर से नीचे बाल नहीं होना चाहिए। और मित्रों, नंबर दो है महिलाओं में बड़े बड़े स्तन। मित्रों, अगर जिस महिला के बड़े स्तन होते हैं तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होता। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला भले ही मन से पवित्र हो लेकिन दूसरों की नजरों में इन्हें लोग गलत नजरिए से देखते हैं। कई पुरुष तो ऐसी महिलाओं को वासना की दृष्टि से देखते हैं जो कि अच्छा नहीं होता। अगर हम डॉक्टर्स की माने तो महिलाओं के बड़े बड़े स्तन होना किसी बड़ी बीमारी होने की शिकायत हो सकती है। और मित्रों, नंबर तीन है ज्यादा खूबसूरती। दोस्तों, किसी भी महिला का खूबसूरत होना लाजमी है। दुनिया में हर महिला ईश्वर से ये कामना करती है कि काश मैं भी खूबसूरत होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, महिलाओं का हद से ज्यादा खूबसूरत होना भी अच्छा नहीं माना जाता। महिला की खूबसूरती और उसका चाल चलन सैकड़ों गांव बर्बाद कर सकता है और यह वारदात हो भी चुकी है। इसीलिए महिलाओं का ज्यादा खूबसूरत होना भी खतरनाक माना जाता है। इतिहास गवाह है, महिलाओं की खूबसूरती के कारण कई युद्ध हुए हैं। और मित्रों, चौथा कारण है महिलाओं में बड़े बड़े कूल्हे होना। दोस्तों, अगर हम समाज की बात करें तो किसी भी महिला के बड़े बड़े कूल्हे होना भी अच्छा नहीं होता। बड़े कूल्हों वाली महिला भले ही मन से पवित्र हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नजरिए से देख सकता है और समाज भी ऐसी महिला को सही ढंग से नहीं देखता। इसलिए हर महिला के कूल्हे सीमित मात्रा में ही होना चाहिए, ना ज्यादा बड़े और ना ही छोटे। हालांकि कई महिलाएं जानबूझकर अपने कूल्हों को बड़ा करती हैं लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है। आप ऐसी गलती कभी भूल कर भी ना करें।